हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। ब्लड रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है इंपॉर्टेंट टॉपिक? 2 to 3 क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए आते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट में भी ब्लड रिलेशनशिप को मिक्स किया जाता है क्वेश्चन के लेवल को हाई करने के लिए। आज के इस पार्ट में हम सिंबल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशनशिप में, उन क्वेश्चन का जो अप्रोच रहता है कम से कम टाइम में सोल्व करने का, वो अप्रोच क्या रहता है, उसे आज मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ब्लड रिलेशनशिप में सिंबल बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शंस दी गई है हमें फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन के लिए। स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट से पी इंटू क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। तो कोई भी दो अल्फ़ाबेट जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, हमें सिस्टर का जो रिलेशन है वो वहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। सेकेंड क्या है, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, प्लस का साइन आ जाए तो डेट मीन्स रिलेशन है मदर का। पी माइनस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, माइनस अगर सिंबल आ जाए तो रिलेशन हमें फादर का प्लेस करना है, ठीक है। और p डिवाइडेड बाई q मीन्स p इज ब्रदर ऑफ q, तो डिवाइड आ जाए तो हमें ब्रदर का जो रिलेशन है वो उन दोनों ही अल्फाबेट के बीच में प्लेस करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स w इज ग्रैंडफादर ऑफ h। तो हमें एक रिलेशनशिप दी गई है w और h के बीच में, w इज ग्रैंडफादर ऑफ h। तो जो एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ये जो रिलेशनशिप है इसको ट्रू करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशंस क्या हैं, फर्स्ट w प्लस t माइनस h, सेकंड w डिवाइडेड बाय t माइनस h, थ्री है w मल्टीप्लाई t प्लस h, फोर्थ w डिवाइडेड बाय t प्लस h, फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखने को मिलेंगे। तो इनको सोल्व करने से पहले दो बातें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, फर्स्ट है जेंडर और सेकंड है जनरेशन गैप, ठीक है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप क्या दी गई है, डब्ल्यू इज ग्रैंडफादर ऑफ एच, तो डब्ल्यू मेल होना चाहिए। यहाँ से रिलेशनशिप से हमें पता चल रहा है W का मेल होना ज़रूरी है, ग्रैंडफादर है इस वजह से। और यहाँ पर जनरेशन गैप कितना होगा, 2 का होगा, भाई ग्रैंडफादर देन फादर फिर आप, इस वजह से 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा आपके और ग्रैंडफादर के बीच में। तो W और H के बीच में 2 जनरेशन का गैप होगा, ठीक है। तो पहले हम जेंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, भाई W मेल होना चाहिए अगर रिलेशनशिप ग्रैंडफादर का है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं उनसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, W प्लस T माइनस H, तो W और T के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं पहले। P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, तो W प्लस T मीन्स W इज मदर ऑफ T। तो यहाँ पर जेंडर W का क्या हो जाएगा, फीमेल। तो यहाँ पर सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए W का जो जेंडर है वो फीमेल है, तो ये जो रिलेशनशिप होगी यहाँ पर तो ट्रू हो नहीं सकती, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, देखिए W डिवाइडेड बाई T माइनस H, तो W और T के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज ब्रदर ऑफ T, ठीक है। W इज ब्रदर ऑफ T, डेट मीन्स यहाँ पर स्पेसिफाइड हो रहा है W का जेंडर क्या है, मेल है। तो यहाँ तक अभी तक तो ये जो रिलेशनशिप है वो सही हो सकती है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। W और T के बीच में जो जनरेशन गैप होगा वो क्या होगा, भाई ब्रदर है तो जनरेशन गैप नहीं होगा, तो यहाँ पर जनरेशन गैप हम जीरो मानेंगे। अब टी और एच के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इज फादर ऑफ एच, टी इज फादर ऑफ एच, तो टी भी मेल होगा, यहाँ पर स्पेसिफाइड हो रहा है। और जनरेशन गैप क्या है, 1 का जनरेशन गैप है, और यहाँ पर हमारे पास जनरेशन गैप क्या था, 2 का जनरेशन गैप था, इस वजह से ये जो ऑप्शन होगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भाई जनरेशन गैप कितना आना चाहिए था, 2 का आना चाहिए था, यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी कि 1 का गैप है, इस वजह से ये जो रिलेशनशिप है सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं करता।
तो सेकेंड वाले ऑप्शन को भी हम रॉन्ग मानेंगे। अब थर्ड ऑप्शन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, W इंटू टी प्लस एच, तो W और T के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। P इंटू क्यू मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज सिस्टर ऑफ T, तो यहाँ पर जो जेंडर होगा W का वो क्या हो जाएगा, फीमेल, और फीमेल जेंडर हो जाएगा। डेट मीन्स ये जो रिलेशनशिप हमें दी गई है वो ट्रू हो ही नहीं सकती इस एक्सप्रेशन से, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो भी गलत होगा। अब फोर्थ ऑप्शन लेते हैं, क्या दिया हुआ है, W डिवाइडेड बाई T प्लस H, तो W और T के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज ब्रदर ऑफ T, तो स्पेसिफाइड हो रहा है W का जो जेंडर है वो मेल है, तो यहाँ क्रॉस मार्क कर देते हैं। और देखिए जनरेशन गैप क्या होगा, ब्रदर है तो जनरेशन गैप जीरो होगा। अब T और H के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं, T प्लस H, P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इज मदर ऑफ H, तो जेंडर T का क्या आएगा, फीमेल आएगा, और जनरेशन गैप कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इस ऑप्शन को रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि जनरेशन गैप हमें कितना चाहिए था, टू चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जनरेशन गैप कितना आया है, जीरो प्लस वन, डेट मीन्स वन, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ वो भी रॉन्ग होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फिफ्थ, नन ऑफ दिस, क्योंकि अबव जो भी ऑप्शंस थे वो सब के सब हमारे रॉन्ग साबित हुए, तो जो हमारा आंसर होगा वो फिफ्थ होगा, नन ऑफ दिस। तो ये जो अप्रोच है ब्लड रिलेशनशिप में सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने का थोड़ा सा अलग है। प्रीवियस पार्ट में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए वो फैमिली ट्री बनाकर सोल्व किए, इन जो एक्सप्रेशंस हैं इनको भी आप उसी तरीके से सोल्व करके आपके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने कैलकुलेशन पार्ट में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि टाइम किस मेथड से कम लग रहा है और उस मेथड को हमें यूज़ करना है। देखिए हर एक एक्सप्रेशन के लिए आप अलग से ट्री बनाकर ये कंफर्म करेंगे कि भाई आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो उसमें जो पेपर वर्क है आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब पेपर वर्क ज़्यादा होगा तो टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस मेथड से आपको इतना पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा और कम से कम टाइम में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नो डाउट के फैमिली ट्री से भी आपका जो आंसर है वो भी सही आएगा, बट इस मेथड से हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। जस्टिफाई करने के लिए आप जो फैमिली ट्री मेथड है उससे इन चारों ऑप्शंस को देख सकते हैं, आपका जो आंसर होगा वो 50 होगा, नन ऑफ दीज। इस अप्रोच को समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए फर्स्ट और सेकंड के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम है। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एम इज नेफ्यू ऑफ आर, और इस रिलेशनशिप को देखकर दो बातें तो हम कंफर्म कह सकते हैं, एम का जो जेंडर होगा वो मेल होगा, भाई नेफ्यू है तो एम का जेंडर मेल होना चाहिए, और सेकेंड बात क्या, जनरेशन गैप, तो इन दोनों के बीच में एम और आर के बीच में जनरेशन गैप वन का होना चाहिए। भाई नेफ्यू कौन होता है, ब्रदर्स सन और सिस्टर्स सन, तो जनरेशन गैप वन का होना चाहिए। तो इन एक्सप्रेशंस में ये दोनों बातें अगर ट्रू हो जाती हैं तो हम उसे एक सही ऑप्शन मानेंगे, भाई सही ऑप्शन वो हो सकता है, संभावना है। बट आर का भी रिलेशन हमें देखना पड़ेगा, आर के साथ में रिलेशन क्या है, ठीक है, तब हम जाके उस एक्सप्रेशन को सही मानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, m डिवाइडेड बाई t माइनस r, तो m और t के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखिए p डिवाइडेड बाई q मीन्स p इज ब्रदर ऑफ q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज ब्रदर ऑफ t, तो देखिए m का जो जेंडर होगा स्पेसिफाइड हो गया मेल है, और जनरेशन गैप कितना होगा, ब्रदर है तो जनरेशन गैप जीरो होगा, भाई एक ही लेवल पर इनको प्लेस करते हैं तो जनरेशन गैप जीरो होगा। अब t और r के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, t माइनस r, P माइनस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इज फादर ऑफ R, तो T का जेंडर भी मेल होगा, और रिलेशनशिप क्या है, फादर की रिलेशनशिप है, तो जो जनरेशन गैप होगा वो वन का होगा। अब देखिए दोनों कंडीशन हमारी इस ऑप्शन में ट्रू हो रही है, बट हमें रिलेशनशिप भी चेक करना पड़ेगा, ये जो रिलेशनशिप दिया गया है वो भी बन रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर M से R का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, M इज ब्रदर ऑफ T, T इज फादर ऑफ R, तो M इज ब्रदर ऑफ R's फादर, ठीक है, M इज ब्रदर ऑफ R's फादर, तो रिलेशन क्या होगा, M इज अंकल ऑफ R।
आर के लिए नहीं बोला गया है सन है डॉटर है, बट हम ये कह सकते हैं एम अंकल होगा, ठीक है, क्योंकि जेंडर क्या है मेल है, तो रिलेशनशिप क्या है एम इज अंकल ऑफ आर, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड, आर डिवाइडेड बाय टी माइनस एम, तो आर और टी के बीच में रिलेशन क्या होगा ब्रदर का, आर इज ब्रदर ऑफ टी, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड हो जाता है आर का जेंडर भाई मेल होगा, आर इज ब्रदर ऑफ टी, और जनरेशन गैप क्या हो जाएगा जीरो होगा भाई, एक ही लेवल पर इन दोनों को प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब टी और एम के बीच में रिलेशन देखते हैं, टी माइनस एम डेट मीन्स टी इज फादर ऑफ एम, तो यहाँ पर टी का जेंडर है वो भी स्पेसिफाइड हो गया भाई मेल है, और जनरेशन गैप कितना आ गया वन आ गया। अब देखिए क्या यहाँ पर हमारी जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू हो रही है या फिर नहीं, तो देखिए जो जनरेशन गैप है वो तो वन है, जीरो प्लस वन टोटल जनरेशन गैप है वो वन है, क्या एम मेल है यहाँ पर शो हो रहा है, नहीं यहाँ पर हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते एम मेल है या फिर फीमेल है, तो इस कंडीशन की वजह से ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो ऑप्शन टू हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब थर्ड ऑप्शन लेते हैं, क्या दिया हुआ है आर इंटू टी प्लस एम इंटू जे, तो आर और टी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, देखिए पी इंटू क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इज सिस्टर ऑफ टी, तो आर का जो जेंडर है वो स्पेसिफाइड हो गया भाई फीमेल है, तो यहाँ पर एक सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं, जनरेशन गैप कितना होगा जीरो होगा भाई सिस्टर है आर इज सिस्टर ऑफ टी। अब टी और एम के बीच में रिलेशन देखते हैं, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी इज मदर ऑफ एम, टी इज मदर ऑफ एम, तो टी का भी जेंडर स्पेसिफाइड हो गया भाई फीमेल है, और जनरेशन गैप क्या आ जाएगा वन का आ जाएगा भाई टी इज मदर ऑफ एम। अब एम और जे के बीच में रिलेशन देखिए, पी इंटू क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम इज सिस्टर ऑफ जे, एम इज सिस्टर ऑफ जे, तो यहाँ पर जो जेंडर होगा एम का वो फीमेल होगा, और जनरेशन गैप क्या हो जाएगा जीरो, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो जनरेशन गैप है वो तो वन है, और क्या एम का जेंडर मेल है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है, एम का जेंडर क्या है यहाँ पर फीमेल है, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा वो रॉन्ग होगा, तो थर्ड ऑप्शन भी हम रॉन्ग कर देंगे। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, आर डिवाइडेड बाई टी माइनस एम डिवाइडेड बाई जे, तो आर और टी के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, डिवाइड का साइन है डेट मीन्स ब्रदर, तो R इज ब्रदर ऑफ T, तो R का जो जेंडर है वो स्पेसिफाइड हो जाता है मेल है, तो क्रॉस हम यहाँ पर बना देते हैं, जनरेशन गैप कितना है ब्रदर है तो जनरेशन गैप जीरो होगा, T और M की बात करें तो T माइनस एम डेट मीन्स T इज फादर ऑफ M, तो T का भी जेंडर स्पेसिफाइड हो जाता है मेल है, और जनरेशन गैप कितना आ जाएगा वन का आ जाएगा। अब M और J की बात करते हैं, M डिवाइडेड बाई J डेट मीन्स M इज ब्रदर ऑफ जे, तो एम का जो जेंडर होगा वो भी स्पेसिफाइड हो जाएगा भाई मेल है, और जनरेशन गैप कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो कह सकते हैं एम इज ब्रदर ऑफ जे। अब देखिए ये जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू होती हैं या फिर नहीं, तो देखिए जनरेशन गैप क्या है जीरो प्लस वन प्लस जीरो डेट मीन्स वन, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है जनरेशन गैप वन है, सेकेंड कंडीशन क्या है एम का मेल होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर इजीली शो हो रहा है एम एक मेल है, तो दोनों कंडीशन ये ट्रू हो गई। अब रिलेशनशिप ये है या फिर नहीं इसको चेक कर लेते हैं, तो देखिए आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, टी इज फादर ऑफ एम, तो रिलेशनशिप हमको एम और आर के बीच में ही निकालनी है, तो आर अगर भाई है टी का और एम बेटा है टी का, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगा भाई आर इज अंकल ऑफ एम, और एम के लिए बोला जाए तो एम इज नेफ्यू ऑफ आर, भाई जेंडर हमें स्पेसिफाइड है मेल है डेट मीन्स नेफ्यू ऑफ आर, तो ये जो ऑप्शन होगा फोर हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इस अप्रोच से कम टाइम में और इजी तरीके से जो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्शन दी गई है 3 से 5 क्वेश्चन के लिए, स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो, डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज सन ऑफ क्यू, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी एंड क्यू मीन्स पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन द एक्सप्रेशन
एम प्लस के डॉलर टी एट द रेट एन, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस जो क्वेश्चन देखे हमने उनमें हमें रिलेशनशिप दिया गया था और जो ऑप्शंस थे उनमें हमको एक्सप्रेशंस दिए गए थे और हमें चेक करना था वो जो रिलेशनशिप है वो ठीक है या फिर नहीं है उन एक्सप्रेशंस के हिसाब से। बट यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और एक्सप्रेशंस को सोल्व करते हुए एम और एन के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। और ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट सिस्टर, सेकेंड कजिन, थर्ड ब्रदर, फोर्थ पेटर्नल अंकल, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो जो एक्सप्रेशन दिया गया है उससे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। अप्रोच वही रहेगा हमारा, एम प्लस के मीन्स क्या होगा, देखिए पी प्लस क्यू मीन्स पी इज सन ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इज सन ऑफ के, तो एम का जेंडर स्पेसिफाइड हो गया। जनरेशन गैप कितना आएगा, वन का आएगा, एम इज सन ऑफ के। तो अभी के बारे में कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मेल है फीमेल है, बट आगे हम बढ़ते हैं। के डॉलर टी, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इज फादर ऑफ टी, तो के का जेंडर स्पेसिफाइड हो गया भाई, मेल है, के इज फादर ऑफ टी। अब देखिए जनरेशन गैप यहाँ पर वन होगा, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेवल है वो यहाँ पर एक ही है, एम और टी का जो लेवल है एम और टी का वो एक ही है, अलग अलग लेवल पर नहीं है। सिर्फ फादर अपर लेवल पर है भाई, के फादर है एम के लिए भी और टी के लिए भी, यहाँ पर स्पेसिफाइड हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर जनरेशन गैप इन दोनों के बीच की बात करें तो वन की होगी, लेकिन टोटल अगर जनरेशन गैप हम ऐड करके देखेंगे वन प्लस वन तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम और टी एक ही लेवल पर हैं, इस वजह से इसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब टी और एन की बात करते हैं, टी एट द रेट एन, तो पी एट द रेट क्यू मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इज सिस्टर ऑफ N, तो T का जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा, T इज सिस्टर ऑफ N, और यहाँ पर जनरेशन गैप क्या होगा, जीरो का होगा। तो देखते हैं रिलेशनशिप क्या निकल कर आती है इस एक्सप्रेशन से। यहाँ पर जनरेशन गैप कितना आया, वन आया, डेट मीन जो रिलेशनशिप होगी वो वन के गैप में होगी या फिर उसी लेवल पर होगी भाई, जीरो के गैप में होगी। जिनका गैप, जिन रिलेशनशिप का गैप टू है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे रिलेशनशिप दिखते हैं जिनमें गैप टू का होता है वो अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर वही आएंगे जिनमें गैप वन का होगा या फिर जीरो का होगा। अब देखिए रिलेशनशिप क्या बनता है, एम इज सन ऑफ के और के इज फादर ऑफ टी, तो यहाँ पर ये दोनों सिबलिंग होंगे भाई, इजीली शो हो रहा है, एम इज सन ऑफ के इज फादर ऑफ टी, दोनों सिबलिंग होंगे और टी का भी जेंडर हमें पता है, एम का भी जेंडर हमें पता है, तो हम ब्रदर और सिस्टर हमें कह सकते हैं, टी इज सिस्टर ऑफ एम, एम इज ब्रदर ऑफ टी। अब टी और एन के साथ में क्या रिलेशन है, देखिए टी इज सिस्टर ऑफ एन, बट हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते एन ब्रदर है या फिर सिस्टर है। बट एक बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कन्फर्म, टी एन और एम तीनों ही सिबलिंग होंगे, ठीक है, तीनों ही सिबलिंग होंगे। अब M एक मेल है, डेट मीन्स M इज ब्रदर भाई, बिल्कुल ब्रदर होगा N का, तीनों ही सिबलिंग है, M का जेंडर हमें पता है, तो हम ये कह सकते हैं M इज ब्रदर ऑफ N। N के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर M के लिए कहा जा सकता है M इज ब्रदर ऑफ N। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सिस्टर है वो गलत हो जाएगा, और सेकेंड ऑप्शन कजिन है ये भी गलत हो जाएगा भाई, सिबलिंग है डेट मीन्स इनके पेरेंट्स एक ही हैं, और तो कजिन होने की बात ही नहीं उठती, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, ब्रदर, एम इज ब्रदर ऑफ एन, बिल्कुल सही है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा थर्ड, ये हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स शुरुआत में हो सकता है इस अप्रोच में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसको समझने में, अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप जो ट्री वाला मैंने मेथड बताया हुआ है उससे भी इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस मेथड की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको इजीली समझ में आने लगेगा और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द रिलेशन वी इज मदर ऑफ डी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें रिलेशनशिप दिया गया है और ऑप्शंस में एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो जो भी एक्सप्रेशन इस रिलेशनशिप को ट्रू करता है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, वी इज मदर ऑफ टी, ठीक है, वी मदर है डी की, डेट मीन्स वी का जेंडर क्या है, फीमेल है, ठीक है, और एक्सप्रेशन में हमारे वी का जेंडर फीमेल होना चाहिए। जनरेशन गैप क्या होगा वी और डी के बीच में, वन का होगा, तो ये दोनों कंडीशन हमारी पहले ट्रू होनी चाहिए, बाद में फिर हम रिलेशनशिप इनका चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, वी परसेंटेज क्यू डॉलर आर एट द रेट डी, तो वी और क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, देखिए पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज वाइफ ऑफ क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इज वाइफ ऑफ क्यू, वी इज वाइफ ऑफ क्यू, डेट मीन जेंडर स्पेसिफाइड हो गया भाई, वी फीमेल है, और जनरेशन गैप कितना आएगा, जीरो आएगा भाई, वाइफ और हस्बैंड के बीच में जनरेशन गैप जीरो होता है। क्यू और आर की बात करें, क्यू डॉलर आर, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू इज फादर ऑफ आर, तो क्यू का जेंडर क्या होगा, मेल होगा, और जनरेशन गैप कितना आ जाएगा, वन का आ जाएगा भाई, क्यू इज फादर ऑफ आर। अब आर और डी की बात करें, आर एट द रेट डी, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज सिस्टर ऑफ डी, तो आर का जो जेंडर है वो भी स्पेसिफाइड हो गया, आर इज फीमेल, आर इज सिस्टर ऑफ डी, और जनरेशन गैप कितना होगा, यहाँ पर जीरो होगा। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, वी का फीमेल होना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वी फीमेल है, हमने डिस्कस किया है, और जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या जनरेशन गैप वन है, जीरो प्लस वन प्लस जीरो, ठीक है, तो जनरेशन गैप भी यहाँ पर वन है। अब देखिए रिलेशनशिप देख लेते हैं, वी और डी के बीच में यही रिलेशनशिप है क्या, वी इज मदर ऑफ डी, तो देखिए यहाँ पर वी इज वाइफ ऑफ क्यू, वी इज वाइफ ऑफ क्यू, क्यू इज फादर ऑफ आर, आर इज सिस्टर ऑफ डी, तो देखिए ये दोनों सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब क्यू फादर है आर का, डेट मीन्स वी मदर होगी आर की, ठीक है, वी मदर होंगी आर की, और ये दोनों सिबलिंग है, डेट मीन्स इनके पेरेंट्स सेम होंगे, तो डी के पेरेंट्स भी वी और क्यू होंगे, तो क्यू फादर होंगे डी के, और वी मदर होगी डी की, तो यहाँ पर रिलेशनशिप हमारा ट्रू हो रहा है, वी इज मदर ऑफ डी, तो ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है वो राइट होगा। तो इस अप्रोच की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ईजी तरीके से आप इन सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और कमेंट आप कीजिएगा, हमारे इस चैनल को यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या दिया हुआ है, इन दी एक्सप्रेशन ई प्लस एच एट द रेट के डॉलर पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू ई, तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है, ये देखना है रिलेशनशिप क्या बनती है बी और ई के बीच में। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट ब्रदर, सेकेंड सिस्टर, थर्ड कजिन, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हम सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं रिलेशनशिप क्या बनती है। तो ई प्लस एच, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज सन ऑफ क्यू, तो ई प्लस एच मीन्स क्या होगा, ई इज सन ऑफ एच, तो यहाँ पर जो जेंडर होगा ई का, मेल होगा। अब एच और के की बात करते हैं, एच और के में एडरेट है बीच में, तो पी एडरेट क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच इज सिस्टर ऑफ के, तो यहाँ पर जेंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, एच का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, तो एच इज सिस्टर ऑफ के। के और पी के बीच में डॉलर सिंबल है, तो डॉलर का सिंबल है, तो पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इज फादर ऑफ बी, तो जेंडर क्या होगा के का, मेल होगा, के इज फादर ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर बी के लिए स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल है, तो हम अभी एज्यूम नहीं करेंगे। अब जनरेशन गैप की मैं बात करूँ, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर वन का गैप है भाई, ई इज सन ऑफ एच, एच मदर है, हमने जेंडर फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर गैप क्या है, वन का है। इन दोनों के बीच में गैप क्या है, जीरो का है, एच इज सिस्टर ऑफ के, तो जीरो का गैप है जनरेशन में, और यहाँ पर भी वन का गैप है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो टू का गैप यहाँ पर शो हो रहा है भाई, वन प्लस वन टू हो रहा है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि एच और के
एक सेम लेवल पर हैं, अपर लेवल पर ई और बी एक सेम लेवल पर हैं, ठीक है। तो जनरेशन गैप सिर्फ यहाँ पर वन का है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, ई और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप बनती है। तो ई इज सन ऑफ एच, एच इज सिस्टर ऑफ के, ठीक है, एच इज सिस्टर ऑफ के इज फादर ऑफ बी। तो ई और बी में क्या रिलेशन बनेगा, देखिए ये दोनों ही सिबलिंग हैं, एच और के दोनों ही सिबलिंग हैं। अब ई के लिए बात करें तो बी कौन है, एच ब्रदर्स सन और डॉटर, भाई स्पेसिफाइड नहीं है फीमेल है या फिर मेल है, या तो के का सन होगा या फिर के की डॉटर होगी। और एच के लिए क्या होगा, एच के लिए क्या होगा, ब्रदर्स सन और ब्रदर्स डॉटर। और ई के लिए क्या होगा, ई के लिए क्या होगा, अंकल्स सन और अंकल्स डॉटर, ठीक है। अब अंकल्स सन और अंकल्स डॉटर, उसको एक वर्ड में हम किस तरह से शो करते हैं, कजिन से। भाई उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, अंकल्स सन अंकल्स डॉटर कजिन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कजिन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन सिस्टर है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या है, कजिन। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इजी है इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए डायरेक्शन दिए गए हैं 6 से 8 तक, स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनके अब मीनिंग्स चेंज हो गए हैं, 6 से 8 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई इन दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिया गया है a_b%c&d+e, और ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट ग्रैंड मदर, सेकंड ग्रैंड डॉटर, थर्ड मदर इन लॉ, फोर्थ आंट, और फिफ्थ है डॉटर इन लॉ। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, a_b। तो p_q मीन्स p इज फादर ऑफ q, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज फादर ऑफ b, डेट मीन्स जेंडर क्या होगा, मेल होगा a का। अब b%c, तो p%q मीन्स p इज मदर ऑफ q, तो b इज मदर ऑफ c होगा, और पी का जेंडर क्या हो जाएगा भाई, फीमेल। तो सर्किल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सी और डी के बीच में एन का साइन है, पी एन क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो सी का जेंडर क्या होगा भाई, फीमेल होगा। सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, डी और ई के बीच में प्लस का साइन सिंपल है, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज हस्बैंड ऑफ ई, तो हस्बैंड है डेट मीन्स मेल, और ई यहाँ पर फीमेल हो जाएगा भाई, हस्बैंड वाइफ है, तो हम ये मान सकते हैं डी अगर मेल है तो ई फीमेल होगा। अब यहाँ पर देखिए जो जनरेशन गैप है वो क्या है, a_b क्या था, ए इज फादर ऑफ बी, तो यहाँ पर जनरेशन का गैप है वन का, यहाँ पर b%c डेट मीन्स बी इज मदर ऑफ सी, यहाँ पर भी वन का गैप है, यहाँ पर जीरो का गैप है भाई, एन का मतलब क्या है, सी इज सिस्टर ऑफ डी, और प्लस का मतलब क्या है, डी इज हस्बैंड ऑफ ई, तो यहाँ पर भी जनरेशन का गैप क्या है, जीरो। तो टोटल यहाँ पर जनरेशन का गैप कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप हम किनके बीच में निकाल रहे हैं, बी और ई के बीच में। तो बी और ई को यहाँ पर आप देखिए एक्सप्रेशन में, इनके बीच में जो जनरेशन गैप है वो वन का है, डेट मीन जो रिलेशनशिप आएगी उसमें भी जो जनरेशन गैप होगा वो वन का होना चाहिए। अगर टू का जनरेशन गैप हुआ तो उन ऑप्शंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को देखते हुए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर दिया हुआ है, तो ग्रैंड मदर से अपना जो रिश्ता होता है वो टू जनरेशन का गैप होता है उसमें, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा रिलेशनशिप नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जनरेशन गैप टू का है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर का, तो ये ऑप्शन भी टू के लेवल का गैप आ जाता है इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये जो ऑप्शन होगा ये भी रॉन्ग होगा। मदर इन लॉ हो सकता है भाई, वन लेवल का गैप होता है, मदर फादर, मदर इन लॉ फादर इन लॉ में, ठीक है, तो ये हो सकता है। आंट हो सकता है, उसी लेवल पर आते हैं आपके फादर के साथ में, मदर के साथ में, जो लेवल हमने डिस्कस किया था उसमें ये सब साथ में आ रहे थे, तो वन का गैप है जनरेशन में। आंट भी हो सकता है, डॉटर इन लॉ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जनरेशन का गैप है वो वन का है इन तीनों में। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। और एक और बात यहाँ पर है, देखिए बी का फीमेल होना चाहिए, जो रिलेशनशिप है उससे हमें शो होना चाहिए
कि बी एक फीमेल है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शंस बचे हुए हैं, मदर इन लॉ, आंट, डॉटर इन लॉ, तीनों ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं बी एक फीमेल है। तो अब सिर्फ हमें रिलेशनशिप देखना है बी किस तरह से रिलेटेड है ई से। तो देखिए बी परसेंटेज सी का मतलब क्या था, बी इज मदर ऑफ सी, ठीक है, और सी एंड डी का मतलब क्या था, सी इज सिस्टर ऑफ डी। बी इज मदर ऑफ सी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, डेट मीन्स बोथ आर सिबलिंग्स, ठीक है, ये दोनों ही सिबलिंग्स हैं। तो इनकी मदर कौन हुई, बी हुई। अब डी और ई के बीच में रिलेशन क्या है, डी इज हस्बैंड ऑफ ई, डी इज हस्बैंड ऑफ ई। तो यहां पर डी की मदर कौन है, बी है। अब स्पाउसेस मदर क्या होता है रिलेशन, मदर इन लॉ। भाई ई के लिए बिगर रिश्ता क्या होगा, स्पाउसेस मदर, डेट मीन्स मदर इन लॉ। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट होगा, बी से बी रिलेटेड है ई से किस तरह से, जो रिलेशनशिप है वो है मदर इन लॉ की। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिना पेपर वर्क किए सोल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश दैट सी इज द आंट ऑफ ई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, ए परसेंटेज बी प्लस सी एंड डी क्वेश्चन मार्क ई, और ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें एक ऐसा सिंबल प्लेस करना है जिससे ये एक्सप्रेशन है और सी और ई के बीच में आंट का जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश हो जाए। तो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट डॉलर, सेकंड एंड सिंबल, थर्ड प्लस सिंबल, फोर्थ आइदर प्लस और एंड सिंबल, फिफ्थ आइदर एट द रेट और परसेंटेज सिंबल। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है सी इज द आंट ऑफ ई, तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं जो जनरेशन गैप है वो 1 का है, डेट मीन्स एक्सप्रेशन में सी और ई के बीच में जनरेशन का जो गैप है वो 1 आना चाहिए। अगर इस सिंबल से जनरेशन का गैप 1 आ जाता है तो इस सिंबल को हम ऐसा यूज करेंगे जिससे जनरेशन का गैप 0 आए, और अगर इस सिंबल से जनरेशन का गैप 0 आता है तो यहाँ पर हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे जिससे जनरेशन का गैप 1 हो जाए। और देखिए रिलेशनशिप हमें सी और ई के बीच में दी गई है, तो हम जो एक्सप्रेशन है उसे सी से ई तक ही सोल्व करेंगे। ये जो पार्ट है ए परसेंटेज बी, बी प्लस सी, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, क्योंकि अगर इसको यहाँ तक हम सोल्व करेंगे तो हमारे वो काम नहीं आएगा। हमें रिलेशनशिप ट्रू करनी है सी और ई के बीच में। तो मैंने जैसा कहा सिंबल हमें ऐसा यूज करना है तो जनरेशन गैप 1 आए, अगर इससे 1 हो जाता है तो यहाँ पर जो जनरेशन गैप है वो हमें 0 करना है, और यहाँ पर 0 जनरेशन गैप आ जाता है तो यहाँ पर ऐसा सिंबल यूज करना है जिससे जनरेशन गैप 1 हो जाए। तो देखिए सी और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पी एंड क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, डेट मीन्स जो जनरेशन गैप है वो 0 का होगा। अब देखिए यहाँ पर जनरेशन गैप 0 आया है, डेट मीन्स हमें एक ऐसा सिंबल यूज करना है जिससे जनरेशन गैप हमारा 1 हो जाए। तो देखिए ऐसा कौन सा सिंबल हो सकता है यहाँ पर जिससे जनरेशन गैप 1 आए, देखिए एट द रेट का मतलब है फादर का रिलेशनशिप बनेगा, डेट मीन्स जनरेशन गैप 1 हो सकता है, तो ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस सिंबल का मतलब है हस्बैंड का रिलेशनशिप, तो यहाँ पर जनरेशन गैप 0 होता है तो ये यूज नहीं कर सकते। डॉलर मीन्स ब्रदर का रिलेशनशिप, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते, जनरेशन गैप 0 होता है। परसेंटेज मीन्स मदर का रिलेशनशिप, तो यहाँ पर जनरेशन गैप हमें 1 मिल सकता है, तो ये भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। एंड सिंबल का मतलब है सिस्टर का रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो दो ही सिंबल हम यूज कर सकते हैं, एट द रेट और परसेंटेज। और ऑप्शंस में देखिए एट द रेट और परसेंटेज सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डेट मीन्स ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एट द रेट और परसेंटेज अलग अलग ऑप्शंस में हमें दिए होते तो एक और कंडीशन हम चेक करते, वो क्या कि सी ई की आंट है या फिर नहीं है, वो रिलेशनशिप हम चेक करते अगर एट द रेट और परसेंटेज अलग अलग ऑप्शन में होते। बट यहाँ पर एट द रेट और परसेंटेज एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और आना इन दोनों में से एक ही है,
आना जो सिंबल हमारा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, वो सिंबल एट द रेट होगा या फिर परसेंटेज होगा, ठीक है। तो वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन वो होगा फिफ्थ। आई होप फ्रेंड्स ब्लड रिलेशनशिप से जो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है वो अब आपको इजी लगने लगे होंगे। अब तक आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हुए आए हैं, अब आप बिना पेपर वर्क किए या फिर कहूँ कुछ पेपर वर्क करके आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन ए प्लस बी एंड सी एट द रेट डी परसेंटेज ई डॉलर एफ इज डेफिनेटली ट्रू। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, सेकेंड एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, थर्ड पी इज द आंट ऑफ डी, फोर्थ ए इज दी अंकल ऑफ ई, फिफ्थ सी इज दी अंकल ऑफ ए। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के तौर पर, और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो अप्रोच है वो किस तरह का रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसको भी आपको चेक करना है, बट आपको चेक करना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे रिलेट करते हुए, ठीक है। वन बाय वन आपको रिलेट करते हुए चेक करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ई इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। यहाँ पर जो रिलेशनशिप दिया गया है सिस्टर इन लॉ का दिया गया है, डेट मीन्स जो जनरेशन गैप होगा वो जीरो का होगा। हमने डिस्कस किया हुआ है भाई सिस्टर इन लॉ एक ही लेवल पर हम प्लेस करते हैं, भाई ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ एक ही लेवल पर हम प्लेस करते हैं। तो ई और ए के बीच में जो जनरेशन गैप होना चाहिए वो जीरो का होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन में भी हमें ये चेक करना है कि ए से लेके ई तक के बीच में जनरेशन गैप जीरो है के नहीं। तो देखिए ए प्लस बी, प्लस मीन्स हस्बैंड, डेट मीन्स यहाँ जनरेशन गैप जीरो होगा, ठीक है, अभी तक सही है। अब नेक्स्ट सिंबल है एन का, एन मीन्स सिस्टर, तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप जीरो आएगा, अभी तक भी सही है। एट द रेट सिंबल का मतलब क्या है भाई, फादर का रिलेशनशिप, तो जनरेशन गैप यहाँ पर वन हो जाएगा। अब जनरेशन गैप यहाँ पर वन हो गया डेट मीन्स ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रू नहीं होगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं भाई, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जनरेशन गैप ई और ए के बीच में जीरो आना चाहिए, बट यहाँ पर हमने देखा जनरेशन गैप ए से लेके ई तक के बीच में वन हो जाएगा। भाई एक और सिंबल हमने अभी यूज नहीं किया, बट जब जनरेशन गैप वन हो गया तो हमें आगे के सिंबल को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा ये जो रिलेशनशिप दिया गया है ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ही हमने चेक कर लिया भाई रॉन्ग हो जाता है, तो इसको हम गलत मान लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, डेट मीन सी और एफ के बीच में जो जनरेशन गैप होना चाहिए वो वन का होना चाहिए। भाई हमने रिलेशनशिप लेवल में डिस्कस किया था डॉटर इन लॉ का जो रिलेशनशिप है तो गैप वन का होना चाहिए, ठीक है, एफ और सी के बीच में जो जनरेशन गैप है वो वन का होना चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन है सी से लेके एफ तक हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में जनरेशन गैप वन का है या नहीं, ठीक है। अगर जीरो का होता है जनरेशन गैप तब भी ये स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे, और अगर जनरेशन गैप टू हो जाता है तब भी ये जो स्टेटमेंट है वो हम गलत मानेंगे। तो चेक करते हैं, देखिए सी एट द रेट डी, एट द रेट मीन्स फादर का रिलेशनशिप, डेट मीन्स यहाँ पर जो जनरेशन गैप होगा वो वन का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स मदर का रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप वन का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जनरेशन गैप वन का था, यहाँ पर वन हो गया, डेट मीन टोटल जनरेशन गैप टू का हो गया, तो हमें आगे सिंबल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ही हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग साबित हो जाता है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी इज दी आंट ऑफ डी, बी इज दी आंट ऑफ डी, डेट मीन्स डी और बी के बीच में जनरेशन गैप वन का होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन में हम ये चेक कर लेते हैं बी से लेकर डी तक जो जनरेशन गैप है वो वन है या फिर नहीं। तो देखिए एन सिंबल का मतलब क्या होता है, सिस्टर का रिलेशनशिप, तो जनरेशन गैप यहाँ पर जीरो होगा। नेक्स्ट सिंबल क्या है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब होता है फादर का रिलेशनशिप, तो जनरेशन गैप यहाँ पर वन हो जाएगा। तो बी से लेकर डी तक टोटल जनरेशन गैप कितना होगा, जीरो प्लस वन डेट मीन्स वन। तो ये जो कंडीशन है हमारी फर्स्ट,
कि बी से लेकर डी तक जो जनरेशन गैप है वो 1 होना चाहिए, ट्रू होता है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या चेक करनी है, देखिए बी इज़ द आंट ऑफ डी, डेट मीन्स बी को फीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हम ये चेक करते हैं, देखिए बी और सी के बीच में एन सिंबल है, डेट मीन्स पी एंड क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज सिस्टर ऑफ सी। तो यहाँ पर बी का जो जेंडर है वो मालूम हो गया हमें कि फीमेल है, ठीक है। तो हमारी ये दोनों कंडीशंस तो चेक हो गई। तो अब रिलेशनशिप देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बी इज़ दी आंट ऑफ डी, ये जो रिलेशनशिप हमें दिया गया है ये ट्रू होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी इज़ दी सिस्टर ऑफ सी। अब सी एट द रेट डी मीन्स क्या होगा, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज़ फादर ऑफ डी। तो यहाँ पर सी का भी जेंडर हमें मालूम पड़ गया मेल है। तो देखिए रिलेशनशिप क्या होगा बी और डी के बीच में, देखिए बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी। तो बी कौन है, डी के फादर की सिस्टर। डेट मीन्स रिलेशनशिप क्या बनेगा, आंट का, यहाँ पर इजीली ट्रू हो रहा है भाई, फादर सिस्टर, हमने रिलेशनशिप देखा था। तो उसको क्या बोला जाता है रिलेशनशिप में, आंट बोला जाता है, फादर सिस्टर या फिर मदर सिस्टर, आंट। यहाँ पर क्या है रिलेशनशिप, फादर सिस्टर, डेट मीन्स आंट। डी के लिए बी का रिलेशनशिप क्या होगा, आंट का। तो ये जो स्टेटमेंट है बी इज़ दी आंट ऑफ डी, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब आंसर हमें मिल गया तो अदर ऑप्शंस को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ब्लड रिलेशनशिप से जो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने जो अप्रोच आपको बताया उससे आप इन क्वेश्चंस को बिना पेपर वर्क किए सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो जान सके ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में इजी तरीके से बिना कोई पेपर वर्क किए किस तरह से किया जा सकता है। और अपने कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा। मेरे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे अदर वीडियोस आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं।